Hello, welcome to my YouTube channel. Today I am telling about the short stories. R.K. Narayan, MAG 7 में यह सिलेबस में हमें दी हुई है. तो शॉर्ट स्टोरीज एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड इंजन ट्रबल, ये जो दो शॉर्ट स्टोरीज है उनके बारे में बताऊंगी. मगर उसके पहले मैं आरके नारायण जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. अभी आरके नारायण जी का जो बर्थ था वो 1907 टू 2001 तक था. और आरके नारायण का जो जन्म हुआ था वो मैसूर में हुआ था. उनके फादर जो कृष्णा स्वामी अय्यर थे, उनकी वाइफ राजम वो 15 साल की थी, और उनकी डॉटर हेमा, उनकी डॉटर का नाम था हेमा. अभी आरके नारायण जी जो थे तो वो महाराजा स्कूल में इंग्लिश पढ़े. वह जो महाराजा स्कूल है वह सैलम डिस्ट्रिक्ट में थी. और यह एक आयरोनिक है, इट इज आयरोनिक बट ट्रू, उपरोधी के पर सच है. और वो बोथ टाइम फेल भी होते, ही फेल सेवरल टाइम्स एंड डिग्री एग्जामिनेशन एंड कुड नॉट ग्रेजुएट टिल ही वॉज 24 इयर्स तक उन्होंने उनकी जो डिग्री थी ग्रेजुएशन की वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे. और व्हेन ही फेल इंग्लिश देन हार्ड स्टडी, जब उन्होंने फेल होने के बाद इंग्लिश की हार्ड स्टडी की एंड ट्राई हिज हैंड एट क्रिएटिव राइटिंग, और उन्हें ट्राई किया और उनकी जो एट क्रिएटिव राइटिंग की तरफ. ही हैज प्रोड्यूस वर्क, ही इज इंडियन इंग्लिश, ही वॉज इंडियन इंग्लिश राइटर. उनको दो लैंग्वेज आती थी, एक थी तमिल और दूसरी थी इंग्लिश. अभी उन्होंने ही रोट चीफली अबाउट इंडियन मिडल क्लास फैमिली बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट. वो हमेशा मिडिल क्लास फैमिली के बारे में ज्यादा लिखते थे क्योंकि वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली के पार्ट ऑफ थे. उन्होंने 10 नॉवेल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड एंड पद्म भूषण अवार्ड उन्हें मिल चुका है. तो उनकी कुछ नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के नेम मैंने यहाँ पे राइट किए. एक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, राइटिंग फॉर द मैथमेटिक्स, नहीं सॉरी, द मैथमेटिक्स, वेटिंग फॉर द महात्मा एंड द गाइड. और उनकी शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं. उनकी शॉर्ट स्टोरीज है मालगुडी डेज एंड एस्ट्रोलॉजर डे ऑफ अदर स्टोरीज. ये जो एन एस्ट्रोलॉजी डे वो हमें सिलेबस में दिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि ये जो एन इंजन ट्रबल और एस्ट्रोलॉजर डे, ये दोनों हमें MAG 7 में है. इग्नू की जो बुक है उसमें ये दो शॉर्ट स्टोरीज दी है, अ हॉर्स एंड टू गोल्ड. अभी एन एस्ट्रोलॉजर डे की ये जो स्टोरी है, तो ये स्टोरी तो पहले एक आयरनिक स्टोरी है और इसमें कैरेक्टर भी बहुत कम है. ए एस्ट्रोलॉजर एक स्वामी रहता है और इसमें एक उनकी वाइफ रहती है और एक मालगुड़ी और विलेज रहता है. ये जो स्वामी रहते हैं ना, ये स्वामी पहले अपने मालिक के यहाँ काम करते थे और उनका मालिक हमेशा उन्हें गालियां देता था. अच्छा काम किया तो भी देते थे और बुरा काम किया तो भी उनको गालियां देते थे. तो एक दिन स्वामी को बहुत गुस्सा आ गया, दोनों में बातचीत हो गई, वो बातचीत बढ़ने लगी और गुस्से से दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाने लगे. तो अनजाने में स्वामी कहने अब एक्सीडेंटली उनके जो मालिक है वो कुएं में पड़ जाते हैं. और उसके बाद में वहां से स्वामी डर के निकल के डायरेक्ट भाग के मालगुड़ी में आ जाते हैं. और वहां पे यानी उनका जो गेटअप है वो चेंज कर लेते हैं. तो वो गेटअप यानी गेटअप चेंज करके वो उसमें क्या क्या, देखो अभी यहाँ पे मैं बताती हूँ. ही सैट अंडर टैमरिन ट्री एंड इन टाउन हॉल पार्क. अभी देखो उन्होंने डजन कावरी शेल्स, ड्यू नो द शेल्स, एंड स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ, ये की जो बैठने के लिए मैस्टिक चार्ट्स जो भविष्य बताते हैं ना, उनके पास एक चार्ट रहता है, नोटबुक रहती है, और एक बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग. अभी जो भविष्य बताते हैं तो वो जो स्वामी वो भविष्य बताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना
काम शुरू करता है और अपना पूरी दाढ़ी बीड़ी लगा के गेटअप चेंज करके बेटा की ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। तो ये एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को अपने उनके भविष्य के बारे में बताते जाता है। तो एक दिन सडनली जो उनका मालिक था वो आ जाता है और फिर उनको उनका जो मालिक है उनके मालिक का एक फ्रेंड रहता है वो उनको इस स्वामी के पास लेके आता है कि भाई ये स्वामी तो बहुत पूछे हुए, उन्होंने तो बहुत लोगों का भविष्य बराबर बताया है, मगर जो उनका मालिक थे वो इन्हें बिलीव नहीं करता। मगर जब ये स्वामी के पास जाके पूरी बात बराबर बताता है तब वह उन पर विश्वास रखने लगता है कि नहीं भाई ये तो सारी बातें मेरे बारे में सच बता रहा है। तो पहले तो स्वामी डर जाता है कि अरे बाप रे, वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाए कि चलो भाई ये जिंदा है यानी मेरे से कुछ गलत नहीं हुआ है। तो फिर उस दिन के बाद के वो दूसरे यानी स्वामी खुद की जगह दूसरे को वहां पर बैठा देते हैं और वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अभी ये जो कहानी है इसमें एक स्ट्रक्चर है। अभी ये स्ट्रक्चर क्या है, एस्ट्रोलॉजर डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ द परफेक्टली वर्क ऑल स्टोरी विद अ डॉट कंट्रोल ऑफ द ऑथर। इसमें एटमोस्फियर भी दिया गया है कि आर के नारायण फॉर डाइन आई फॉर डिटेल एनी सिग्निफिकेंट विथ हिज कीन ऑब्जर्वेशन एंड द टैलेंट फॉर द पर्टिकुलर टू यूज हेनरी जेम्स वर्ड्स ही एग्जैक्ट्स द एटमोस्फियर ऑफ परफेक्ट वर्क प्लेस फॉर द एस्ट्रोलॉजर। अभी इसमें कैरेक्टराइजेशन ऐसा दिया है, देखो अभी कैरेक्टराइजेशन देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यानी स्टोरी के एकदम स्टार्टिंग में वी आर इंट्रोड्यूस टू ओनली द एस्ट्रोलॉजर। ये जो स्टोरी है उनकी स्टोरी में स्टार्टिंग में ही जो इंट्रोडक्शन वहां पे दिया गया है वो एस्ट्रोलॉजर का है। द एस्ट्रोलॉजर हुज नेम वी डोंट नो, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं बताया गया था। हिज फोरहेड वॉज द रिप्रेजेंट विद सैक्रेड एश एंड वर्मिलन एंड ही उंडेड और सैफ्रॉन। देखो अभी जो भविष्य बताते तो उनके सर यानी जो फोरहेड होता है वहां पे ऐसा एश लगाए रहते हैं, एश मतलब जो राख होती है रक्षा होती है वो, और सैफ्रॉन मतलब हम जो फेटा वगैरह ऐसा बांधते हैं ना तो वो सैफ्रॉन कलर टर्बन मतलब फेटा, वो भी सैफ्रॉन कलर का मतलब केसरी कलर का, अगर जो साधु लोग होते हैं वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं सैफ्रॉन कलर के। अराउंड हिज हेड उनके माथे पे वो लपेटा हुआ था। ही आल्सो न्यू व्हाट इज क्लाइंट एंड वांटेड टू हियर, यानी उसे पता था कि यानी क्लाइंट को क्या चाहिए और वो द ओनली थिंग्स द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट वॉज एस्ट्रोलॉजर। ये मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया, एटमॉस्फेयर बताया, कैरेक्टराइजेशन बताया, अभी उसका मीनिंग बताती हूँ कि नारायण इज द मास्टर ऑफ आयोरनी मतलब कि उपरोधिक से यहाँ पर वो बोलता है कि द स्टोरी इज एज मच ऑफ कमेंट ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स roughly way as on the gullible masses. He knew nothing about astrology but enough about the common man's psychology. अब ये जो एस्ट्रोलॉजर लोग रहते हैं ना उनको ऐसा कुछ पता नहीं मगर एक कॉमन साइकोलॉजी रहती है उनका, पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है। एंड देयर इज एन द एलिमेंट ऑफ सोशल सटायर आल्सो इन द स्टोरी एंड अकॉर्डिंग टू के आर श्रीनिवास अयंगर देयर आर नो गुड और बैड कैरेक्टर्स इन नारायण बुक्स। यहाँ पे जो मीनिंग बताते है जो के आर श्रीनिवास जी है उन्होंने बताया कि अयंगर है
अयंगर कृष्ण सॉरी श्रीनिवास अयंगर देर आर नो गुड और बैड कैरेक्टर्स इन नारायण्स बुक, कि इनका जो इन्होंने जो कैरेक्टर्स में दिए तो वो कुछ यानी नॉट गुड और बैड, यानी बुरे भी नहीं है और नॉट गुड अच्छे भी नहीं है। ओके थैंक यू वेरी मच।